नमस्कार जी, मैं हाँ बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो फरीदकोट डेयरी। खबरां दा अंदाज वखरा, तुहाडे अजिवें नाल भरी इस जिंदगी विच असीं कुछ पल लै के तुहानू तरोताजा करदे हां पंजाब दे ताजा हालात नाल, ते पेश है खबरां दा एक नवां गुलदस्ता। फरीदकोट डेयरी को देश विदेश विचों मिलन लगा प्यार, लोग फोन करके खुल रहे हैं भ्रिष्टाचार की पोल। फरीदकोट डेयरी को तुहाडे तक पहुंचण लग्या भावें एक महीना भी नहीं बीतिया कि देश विदेश में बैठे पंजाबी नूं प्यार करन वाले अते अपने मुल्क की मिट्टी नाल जुड़े रहने वाले लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया है। पंजाब के वख-वख जिलों नाल संबंधित इंग्लैंड, अमरीका, कनेडा, दुबई अते होर देशों में बैठे पंजाबी साढ़े प्रोग्राम नूं सुन के जिथे अपने दिल के जज्बात साढ़े नाल सांझे करन लगे हन, उत्थे पंजाब के वख-वख खेत्रां दे विच फैले भ्रिष्टाचार का पर्दाफाश भी करन लगे हन। पठानकोट जिले के सुजानपुर हल्के नाल संबंधित दुबई रहिंदे एक पंजाबी ने अपना फोन ते नाम गुप्त रखने की शर्त दस्या कि भावें पंजाब विच सरकार बदल गई है अते कहा जा रहा है कि हुण पंजाब के हालात एकदम सुधर गए हैं, पर उन्होंने हल्के विच सियासी हवा अते बाकी सब कुछ पहला वर्गा ही है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर हल्के के लागले पिंडा विच अज भी गुंडागर्दी का नंगा नाच उसी तरह हो रहा है। मिनी बसा वाले की गुंडागर्दी को कोई फर्क नहीं पिया, वो आटो नहीं चलन देंगे। उन्होंने दस्या कि जदों वो इंडिया आया हुआ सी ता उसनू भी इस गुंडागर्दी का शिकार होना पिया, जिस करके वह हुण इत्थे वापस तो आना चाहते हैं अते दिल भी करता है, पर घटना याद करके दिल विच डर बैठ गया है। इसी तरह जलंधर निवासी सरदार जसविंदर सिंह ने फोन करके समाज में फैले भ्रिष्टाचार को खत्म करने की गल आखी। उन्हें कहा कि तहसीलों में जायदादों की रजिस्ट्री कराने लई भारी रिश्वतां तहसीलदार लेंदे हन, जिसका सारे सियासी आगुओं को पता है, पर उपर तक हिस्सा जाता होने कारण कोई रोक टक नहीं है। उन्हें कहा कि रिश्वत ना देने की सूरत तहसीलदार रजिस्ट्री रोक के मौका देख तक दिया धमकियां देंदे हैं, जदों के उन्होंने सरकारी रेटा से जायदाद की रजिस्ट्री करवानी होंगी है। उन्होंने दस्या कि इस तो अलावा थाने लखां रुपए में थानेदार हवाले किया जाता है, उन्होंने पैसे एकत्र करने की खुल दी जाती है। उन्होंने मांग की कि यह भ्रिष्टाचार पंजाब की मौजूदा सरकार तुरंत बंद कर देना चाहिए है। पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर ने फोन करके कहा कि वह इस वे राजस्थान ट्रक लेके गया हुआ है, पर पंजाब की ट्रैफिक पुलिस के भ्रिष्टाचार को काफ़ी परेशान है। उन्हें कहा कि जगह जगह शहरों में अंदर जाने लिए उन्होंने रोक के पुलिस एंट्री लेती है, इसकी बकायदा उन्होंने कापी में एंट्री भी करती है। इसनों कोई रोक टोक नहीं रहा। उन्हें मांग की कि ट्रक वाले लिए सब तो बड़ी राहत होगी कि सरकार ये ट्रैफिक पुलिस तो एंट्री बंद करवा दे। इंग्लैंड निवासी सरदार जसविंदर सिंह ने फोन करके जिते शहीद भगत सिंह अते उसके साथियों को याद किया अते शहीदां दी लसानी शहीदी का जिक्र किया, उत्थे ही पंजाबी कथाकारां अते शहीदां अते पीरां फकीरां विरुद्ध किए जा रहे प्रचार नूं भी उभारिया। उन्हें अपील की कि सानूं दूसरे धर्मां नूं भंडण की बजाय अपने धर्म का प्रचार करके लोगों नूं इस नाल जोड़न की प्रेरित करना चाहिए है। उन्हें लोगों नूं अपील की कि जिथे कि धर्म अते शहीदां खिलाफ कोई बोलता है तो उसका खुल के विरोध किया जाए। इंग्लैंड तो संगत टीवी चलाने वाले सरदार रणधीर सिंह अते अमेरिका तो मोगा जिले के लोहारा नाल संबंधित बलविंदर सिंह लोहारा ने भी फोन करके फरीदकोट डेयरी के प्रोग्राम की भरपूर प्रशंसा की। इन्हां सारयां ने सानू हर तरह का सहयोग देने का भरोसा दिता है। असीं फरीदकोट डेयरी की सारी टीम वालों इन्हां दर्शकों का धन्यवाद करते हाँ अते अपील करते हाँ कि तुसीं भी अपने विचार खुल के प्रगट करो ता कि इस प्रोग्राम दीआं सेवावां नूं होर बेहतर ढंग नाल अते विलक्षण अंदाज विच तुहाडे तक पहुँचाया जा सके। तुहाडे आउण वाले फोनां दे इंतजार विच फरीदकोट डेयरी की सारी टीम। नवी दिल्ली के रजौरी गार्डन विधानसभा सीट तो जिमनी चोन लड़ रहे भाजपा के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सरसा नूं सिखां दी नाराजगी का सामना करना पै रहा है। सरसा श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली दे जनरल सकत्तर ते दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां विच पंजाबी बाग सीट तो जिते ने। दिल्ली विच सालां तो भाजपा ते अकाली दल सांझे रूप विच चोण लड़दा। दिल्ली विधानसभा चोणां विच भाजपा बीतियां दो चोणां विच अकाली दल दीआं चार सीटां मिलदियां रहियां। पहलां सिर्फ दो सीटां दित्तियां जांदियां सन। 2014 विच मनजिंदर सिंह सरसा चोण हार गए सन। इसे दौरान सरसा राजधानी विच सिखां दी पहचान बनाउण लई अकाली दल दे चोण चिन्ह ते चोण लड़न दा दबाव बनाया जा रहा सी। हाल विच दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां विच भाजपा नाल जुड़े अकाली दल बादल अते पंजाब विच अमरिंदर सिंह ग्रुप दे नाल जुड़े सरना ग्रुप दे सख्त मुकाबला सी। इन्हां चोणां विच भाजपा समर्थित अकाली दल दी भारी जित होई ते मनजिंदर सिंह सरसा ने परमजीत सिंह सरना नूं भारी वोटां नाल हराया। इस तो बाद अचानक रजौरी गार्डन विधानसभा सीट की जिमनी चोण आ गई। इस सीट पर मनजिंदर सिंह सरसा दो बार लड़ चुके हैं, एक बार जित चुके ने।
ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਆਰੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਮਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਓਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ 18ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 1,17,000 ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੱਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਨੰਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੰਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜਵਾਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ
हाले सूबा कांग्रेस कमेटी की प्रधानगी का अहुदा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल ही रहना चाहिए। जिक्रयोग है कि बीबी राजिंदर कौर पट्टल इस बार चोणा हार गई सी। पंजाब विच यह चर्चा चल रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण मुख्यमंत्री तो बन चुके ने ते उह प्रधानगी दा अहुदा सुनील जाखड़ जां किसे होर सीनियर आगू नूं सौंप देण। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कहना है कि यह जो भी हुक्म हाईकमांड तो आएगा उस नूं मन्नणगे। उधर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 6 आम आदमी पार्टी के आगुआं ते वित्त मंत्री अरुण जेटली वालों दायर मानहानि मामले में दोष तय किए ने। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई पाई गई है। अज सीजीएम समिता दास ने केजरीवाल ते होरना आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दोष तय किए। केजरीवाल ते होरना कथित दोषियों ने खुद को बेकसूर दसिया है। खजाना मंत्री जेटली ने दसंबर 2015 में केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह राघव चड्डा ते दीपक वाजपाई खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया सी। जेटली का दावा सी कि इन्हां लोगों ने डीडीसीए नाल जुड़े मामले में उन्हां दे खिलाफ झूठे और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीतियां जिससे उन्हां दी इज्जत नूं सट वजी है। आम आदमी पार्टी के नेतावां ने जेटली और डीडीसीए विच वित्तीय गड़बड़ियां करन दा दोष लगाया सी। जेटली साल 2013 तक लगभग 13 साल डीडीसीए दे प्रधान रहे ने। कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू ते मध्य प्रदेश तो साबका मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बयान दिता है कि अयोध्या विच धार्मिक कुड़त्तन तो बगैर राम मंदिर की उसारी होनी चाहिए है। दूजे पासे अयोध्या विवाद से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी विचकार विश्व हिंदू परिषद ने आख्या है कि उन्होंने पक्की राय है कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज से संसद में कानून बना के अयोध्या विच राम मंदिर बनाया जाना चाहिए तो सारे राजनीतिक दलों नूं मिलके इस नूं पूरा करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने 4 अप्रैल नूं रामनौमी के मौके पर देश के 5000 जिलों तहसीलों ते ब्लाकों में प्रोग्राम आयोजित करने की गल कही है ते लोगों सामने संसद में कानून बना के राम मंदिर के निर्माण का संकल्प नूं दोहराएगी। मोहाली में अपनी पत्नी वालों पति का कतल किए जाने की पुलिस जांच तेज हो गई है। एकम कतल कांड विच पुलिस ने जांच तेज की है। पुलिस के हाथ केस नाल जुड़े एक अहम सीसीटीवी फुटेज लगी है जिस विच मामले की दोषी सीरत इकल्या ही अपने घर तो अटैची नूं पौड़ियां दे राही हेठां सुट्टदी नज़र आ रही है। पुलिस ने जांच एजेंसी CI ने इस वीडियो नूं कब्जे विच लिया है ते नाल ही इस वीडियो की जांच की जा रही है। जिस घर विच सीसीटीवी कैमरे लगे सन उत्थों एकम दे घर तो 8-9 पीढ़ियां उपर तो मंजिल काफ़ी दिखाई दिंदी है। ऐतवार 7:30 तो 8:30 बजे विचकार सीरत पौड़ियां तो अटैची सुट्टदी दिखाई दिंदी है। इन्ना ही नहीं जदों पौड़ियां तो खून लग्या तो इसनूं साफ करदी भी दिख रही है। हालांकि इस दौरान उसके नाल कोई होर व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। एकम के कतल नूं 5 दिन बीत चुके ने लेकिन हाले तक मामले में 3 दोषी पुलिस की गिरफ्त विचों बाहर ने। प्रसिद्ध महिला रैसलर फोगाट सिस्टर पूरे देश में औरतों की रैसलिंग अकैडमी खोलना चाहती हैं। उन्हों का मनना है कि हरियाणा सरकार वालों खेडों की नीतियां की तरह देश के बाकी सूबों में भी बेहतर खेड नीति बनाई जानी चाहिए है। अजिहा होया तो रैसलिंग की हरमन प्यारता जरूर वधेगी। देश लई सारे मैडल जित चुकियां गीता ते बबीता फोगाट कल एक समागम में शिरकत करन पहुंचियां। उन्होंने आख्या कि हरियाणा में लड़का लड़की में भेदभाव लोगों के मन तो दूर हो रहा है। ऐसी जागरूकता दंगल वर्गी फिल्म की देन है। उन्होंने आख्या कि हुण हरियाणा के मापे अपनियां बेटियां ते भरोसा करन लग पए ने ते सरकार नूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम भी हुण रंग लियाउण लग पई है। लेकिन उन्हां दी इच्छा है कि खेडां दे मामले विच पूरे देश दा माहौल इक्को वर्गा होवे। धन्नवाद, सत श्री अकाल।